मैं हूँ यूसुफ अली। दोस्तों, इस समय वसई के इस्टेला में एक हॉल के यहाँ है। आज वसई विरार मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय का वार्षिक अहवाल, पहले साल का अहवाल माननीय सीपी साहब ने पेश किया है। एक साल में आयुक्तालय के द्वारा क्या क्या किस तरह की गुनाह को उघड़किस किया गया, इन सबकी जानकारी आज दी है। बाकायदा एक बुक आयुक्तालय ने जारी की है, जिस बुक में हर एक चीज का बारीकी से उन्होंने विवरण लिखा हुआ है, कितने परसेंट गुना जो है उनका इन्वेस्टिगेशन हो चुका है और कितने परसेंट बाकी है। एक अच्छी और सबसे अहम बात यह है कि दूसरे सभी आयुक्तालय की बनिस्पत मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय में गुना के डिटेक्शन का परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा है। हालांकि पहला साल था वसई विरार मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय का पहला साल है, उसके बावजूद काफी अच्छी तरह से आयुक्तालय काम कर रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। इस आयुक्तालय के अंतर्गत जहां 3 जोन डीसीपी के हैं, वहीं 7 एसीपी जोन में है और उसके अलावा अलग अलग जो प्रकल्प है, अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, क्राइम डिपार्टमेंट, इन्वेस्टिगेशन, इकोनॉमिक ऑफेंस, उनके अलग अलग एसीपीज है। नए पुलिस स्टेशन का यहाँ पर इस एक साल में गठन हुआ है और कई ऐसे कारण में यहाँ पर हुए हैं, जिसका आज पूरा लेखा जोखा ब्यौरा माननीय सीपी साहब सदानंद दाते साहब ने दिया। साथ ही उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए जो पत्रकारों की क्वारिज थी उसको जवाब दिया। हम यहाँ वसई में हैं, ये प्रोग्राम मीरा भाईंदर में मुख्यालय में हुआ था, वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमने यहाँ पर अटेंड किया। यहाँ पर यहाँ के जोन 2 के डीसीपी संजय पाटिल और उनके साथ में उनका स्टाफ मौजूद था। इसके अलावा एक मीरा भाईंदर के जोन 1 के डीसीपी का उनके वहाँ एक हॉल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जारी था और एक विरार में जारी था। सब जगह के पत्रकारों के सवालों को सीपी साहब ने सुना। कम से कम 11 बजे शुरू हुआ प्रोग्राम, 1 बजे तक चला, कम से कम 2 घंटे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और इस तरह से पूरी उन्होंने जानकारी दी। एक काफी अच्छा ये एक मैसेज जाना चाहिए दूसरे डिपार्टमेंट को, दूसरे विभाग को, कि जहां आजकल देखा जाता है कि हर कोई सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, विभाग जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचने की कोशिश करता है, पत्रकारों के सवाल का जवाब देने की बचने की कोशिश करता है, लेकिन मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्त सदानंद दाते साहब जो कि आगे सामने चल के पत्रकारों के सामने आए, उनके सवालों के जवाब दिए और अपना लेखा जोखा दिया, तो कहीं ना कहीं इस पहले साल में उनकी कामगिरी के लिए पुलिस डिपार्टमेंट को सलाम और आने वाले समय में इसमें और भी सुधार होगा, इसी उम्मीद कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वसई से यूसुफ। सर, मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय का आज पूरा साल हुआ है, सर क्या कहना चाहेंगे? मैं सर्वप्रथम मेरे सहकारी साथी जो हैं उन्होंने एक साल में काफ़ी लगन से अपना प्रोफेशनल जो क्वालिफिकेशंस है, क्वालिटीज़ हैं वो दिखा के एक पूरा साल हमारा 2021 पूरा हुआ है और इसमें हमने काफ़ी उपलब्धियां हासिल की है। खास करके हमारा जो डिटेक्शन रेट है क्राइम का, उसमें वृद्धि हुई है, प्रॉपर्टी रिकवरी में वृद्धि हुई है, कन्विक्शन में अच्छा काम हुआ है, पब्लिक के साथ जुड़ने में हम काफ़ी हद तक सफल हुए हैं, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूँ कि हमने अब सब अचीव किया है, ऐसा नहीं है। कई चैलेंजेस हमारे सामने हैं, उसका हमें ज्ञान है और हम ओपन टू सजेशंस हैं और आज भी हमें काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए और सजेशंस दी गई, हमने वो सब नोट करी है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर वसई विरार एरिया के लोगों को एक अच्छा चुस्त पुलिस प्रशासन जो क्रिमिनल्स के ऊपर कंट्रोल करे और लोगों की मदद करे, ऐसा करने के लिए हम कटिबद्ध हैं और इस प्रयास का हमारा एक लेखा जोखा हमने सामने रखा है।